सलाम अलैकुम वीवर्स, आज मैं फिर एक दफा आपके साथ हाजिर हुई हूँ अपने कुकिंग चैनल इजी कुकिंग विद अर्शी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टू। स्टू के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है उसको मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आधा किलो चिकन ली है और ये एक किलो प्याज लिया जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, एक कप दही लिया है, 8 से 10 साबुत मिर्चें ली हैं, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच लहसुन अदरक लिया है, गरम मसाला लिया है जिसके अंदर जीरा, दालचीनी, लौंगे, बड़ी इलायची और काली मिर्च, 1 चम्मच ये लिया है हद जायका नमक, 1 चम्मच हल्दी, गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी धनिया और ये लहसुन इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। अब एक पतीले में हमने घी और गरम किया है और इसके अंदर हम अपनी प्याज को फ्राई करते हैं। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर दिया करें कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। अब हम इसको थोड़ा पिंक होने तक रखेंगे, जैसे ये फ्राई होती है फिर मैं इंशाल्लाह आपको आगे का इसका स्टेप बताती हूँ। अब ये हमने जो ये लहसुन अपना काटा था ये थोड़ा इसमें फ्राई करेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखेंगे और ये साबुत मिर्च, इनको सुर्ख होने तक थोड़ा ताकि कलर चेंज हो जाए, लहसुन का भी साबुत मिर्च हो गया। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें चिकन डालेंगे, थोड़ा लहसुन अदरक अपना फ्लेवर डाल दें, गोला मिर्च का जो है कलर चेंज हो जाए तो आप देखें, फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और गोश्त को इसमें डाल के भूनेंगे, गोला मिर्च का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाले को भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। कम चीजों के साथ अब ये जो हमने कुटी हुई मिर्च ली थी 2 चम्मच से ये हम दही में डाल रहे हैं, हल्दी, हरी जायका नमक और इन तीनों चीजों को हम दही में इस तरह मिक्स कर रहे हैं। जब तक हमारी प्याज और चिकन वहाँ पर फ्राई हो, ये देखिए हमारी चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, चिकन के चेंज करते ही कलर पे हम इसमें ये दही ऐड करते हैं। अब इस
इसी में चिकन भी गल जाएगी हमारी, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा और प्याज जो हाफ डन है वो भी इंशाल्लाह डन हो जाएगी। ये हमने सारा मसाला मिलाया। ये घी ऊपर आ गया है, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, दम लगा के जरा सा ऊंचा। ये देखिए आधे घंटे के लिए हम रखेंगे, दही अपना पानी छोड़ेगा, चिकन भी उसी में तैयार हो जाएगी और प्याज भी उसी में डन हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे के बाद हमारा ये स्टू तैयार हो चुका है। ये देखें सारी प्याज या सब खुल चुकी है, मज़ेदार स्टू तैयार है। सर्व कर दिया है मैंने, ऊपर हरा धनिया अदरक की गार्निशिंग कर दें और गरम गरम तंदूर की रोटी चपाती इसके साथ सर्व करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।